जय जिनेन्द्र बंधु अभिनंदन है आप सभी का आप सभी के ही अपने कार्यक्रम जिसका नाम है वास्तु रहस्य हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी जो लगातार आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं वास्तु पे के रिगार्डिंग लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि हमारा जो साथी होता है वही हमारा सबसे बड़ा सहायक भी होता है लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है क्योंकि हमारे पास भ्रांतियां इतनी होती हैं आज आपको बताएंगे कि कैसे आप द्वारा लगाया गया वृक्ष कई बार आपका इतना बड़ा साथी सहायक हो जाता है कि आपको ही नहीं पता होता है। लेकिन वृक्ष आपने लगाया कौन से मुहूर्त में है तरीका क्या है कौन सा वृक्ष लगाया है इन सब की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि वृक्ष का महत्व बहुत होता है हमारी जिंदगी में लेकिन किस तरीके से कौन से वृक्ष का कैसा महत्व होता है आज जानेंगे तो सबसे पहले कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साहब का जय है आपका जिस चर्चा को हमने कल अधूरी छोड़ी थी आज उसी को पूरी करेंगे और सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि घर में बहुत दुख है बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन रुक गया है हमें समझ में नहीं आ रहा हमारी नौकरी एक जगह टिक क्यों नहीं रही है क्या इन सब में भी वृक्ष हमारे लिए सहायक बन सकते हैं जी हाँ वृक्ष आपको कहा सहायक नहीं है सांस जो आप ले रहे हैं उसमें भी सहायक वृक्ष ही है जी हाँ, आप जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या विद्या अध्ययन में भी वृक्ष सहायक है जब भगवानों के लिए उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए वृक्ष ही सहायक बने थे तो बच्चों के लिए क्यों नहीं निश्चित रूप से यदि घर में विधि विधान पूर्वक तीन वृक्ष लगे हुए हों तो वह बच्चों के अध्ययन में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं उनकी स्मरण शक्ति में अभिवृद्धि कराते हैं जैसे चंदन का वृक्ष देवदारू का वृक्ष समी का वृक्ष और महुआ का वृक्ष ये चार वृक्षों को ज्ञान पिपासु वृक्ष माना गया है ज्ञान प्रदाता वृक्ष माना गया है और इसके साथ साथ पांचवा वृक्ष जो पंच सत्तों का सम्यक संतुलन कराने वाला होता है वह होता है तुलसी तुलसी को ही मां की उपमा तक दी गई है वृक्षों में तो यह पांच वृक्ष ज्ञान प्रपासु अब हम आपने जाना व्यापार नहीं चल पा रहा व्यापार की अभिवृद्धि नहीं हो पा रही जी हाँ कुछ वृक्ष आपके व्यापार को चला देते हैं और कुछ वृक्ष आपके व्यापार को ढप करा देते हैं पिछले एपिसोड में आपने जो पीपल के वृक्ष की बात कर रहे थे तो उस वृक्ष ने निश्चित रूप से वह वृक्ष खराब नहीं है इंसान खराब है वह वृक्ष जिसमें अनंत देवता देवतावास करते हैं और उसकी जड़ों में हम पेशाब करते हैं जब मंदिरों में वही वृक्ष एक चत चैत वृक्ष माना जाता है और जब व्यापारिक स्थान या निवास के स्थान पर लगा करके मल मूत्र हम उसकी जड़ों में जाते हैं तो रिएक्शन होकर आप के आपके लिए और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित करा देता एक चीज और पूछना चाहूंगी जैसे आपने बताया कि देवताओं का वास होता है और हम भी मानते हैं इसलिए हम पूजा भी करते हैं पीपल जी, के जी, पेड़ के लेकिन वही ये भी बातें हैं कि पीपल के पेड़ पे प्रेत आत्माएं भी रहती हैं। जी है लेकिन तो प्रेत। जहां पर देव है वहाँ प्रेत आत्माएं कैसे देखिए इंसान की परिभाषा क्या है मानव मानवीय गुणों का विकास लेकिन जब मानव ही उग्र रूप राक्षस बन जाता है मानव ही राक्षस कब बनता है जब उसके अकॉर्डिंग उसके विपरीत से प्रताड़ित किया जाता है जब उस वृक्ष को प्रताड़ित किया जाता है तो वही देव राक्षस जैसा रोल करने लग जाते हैं जब उसकी जड़ों में मलमूत्र डाला जाता है तो वही उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं तो वह देवता आपको राक्षस के रूप में दिखने लग जाते हैं यही है यदि ये चैत्य वृक्ष हैं तो इन चैत्य वृक्षों को जंगल में एकांत स्थानों पर और मंदिरों में और ऐसे स्थानों पर लगाना चाहिए जहां पर उनको विधिवत तरीके से से हम चैत्य स्थानों पर रखने से उनकी पूजा अर्चना हो सके अच्छा ऐसा भी कहा जाता है कि को, आ, कोई स्पेसिफिक वृक्ष होते हैं पेड़ होते हैं जिन्हें घर पे नहीं लगाना चाहिए देखिए बहुत सारे वृक्ष घर में घर में वृक्ष लगाना चाहिए बिना वृक्ष के तो मैं कह रहा हूँ घर का शुभारंभ प्रथम वृक्ष से ही करना चाहिए यदि आपके घर में वृक्ष या गमलों में जो आप वृक्ष लगाते उनकी भी मैं बात कर रहा हूं कि आपके घर में कौन कौन से वृक्ष लगाना चाहिए घर में नहीं लगाना चाहिए तो घर में आपको वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए साउथ वेस्ट में आपको अशोक के वृक्ष लगाना चाहिए ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगाना चाहिए नॉर्थ और ईस्ट में आपको नॉर्थ में पूरे बेल और लताओं के बढ़ते हुए और ईस्ट में आपको फल और फूल वाले फूलों वाले वृक्ष लगाना चाहिए छोटे छोटे चंपा चमेली केवड़ा रात रानी रात रानी लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर नहीं ऊपर के फ्लोर पर रात रानी लगाना, लगाना था चाहिए क्योंकि सर्प को रात रानी बहुत पसंद है सर्प आ जाएगा जी हाँ तो मल्टी स्टोरी पर सेकंड थर्ड फ्लोर पर रात रानी लगाइए सुगंधित सारी निगेटिव एनर्जी को पलायन कर देते हैं सुगंधित फूल अरे ये फूल ऐसे ऐसे आपके लिए उपाय करते हैं मैं कह रहा हूं जो जो व्यापारी है ना बिजनेसमैन यदि व्यापारी इन वृक्षों का उपयोग करना शुरू कर दें जैसे व्यापारियों के लिए बताया खदेर और सिंधु यदि उनके अपनी फैक्ट्री में एक खदीर का वृक्ष लगाओ और एक वृक्ष सिंधु का हो तो फिर पूछो मत उनके व्यापार कितना तेज चलता अभी एक आ, डेली की एक घटना है एक व्यक्ति की फैक्ट्री नहीं चल रही थी मैंने सिर्फ सिंधु के वृक्ष कहीं थोड़े से ऊंचे गमलों में लगे थे वो मैंने उठवा करके रख दिए पांच खदिर के और पांच सिंधु के <laughs> पांच दिन बाद फोन आता है कि मेरी फैक्ट्री चलना शुरू हो गई एक व्यक्ति का एक और एग्जाम्पल है मैं नाम सहित कहें तो भी बता दूंगा एड्रेस सहित कि उस व्यक्ति का वो दो वर्ष से वहां पर किसी भी तरीके से वो इतने प्रयास कर रहा था लेकिन वह भाड़े पे नहीं उठ रही थी मैंने कुछ नहीं किया एक वृक्ष में तुलसी में स्वास्तिक बनाया और क्रिया को संपन्न कराया तुलसी का वृक्ष रख दिया और स्वास्थिक बनवा दिया मुहूर्त के अनुसार मुहूर्त के अनुसार सगुण में स्वर का सहारा लेकर के मुहूर्त का सहारा लेकर के चारों दिशाओं में स्वास्थ्य बना के एक तुलसी के वृक्ष की छोटी सी स्थापना कर दी मात विदेना मंथ दो साल में जो काम नहीं हो पा रहा था एक माह में कार्य हो गया और तो वृक्ष आपके लिए क्या नहीं करते नौकरी तक दिला देते हैं और आप ईस्ट में फल देने वाले पुष्प देने वाले पुष्प अच्छे सुगंधित पुष्प जैसे कि आपके चंपा है चमेली है केवड़ा है और विभिन्न प्रकार के आपके गुलाब भले कांटे होते हैं लेकिन कांटो एक्सेप्शनल केश है गुलाब जिनके जो आप अपने घर में लगा सकते हैं जैसे कांटे वाले दूध वाले बोन ये वृक्ष आपको घर में नहीं लगाना चाहिए फिर गुलाब तो बहुत लोग लगाते हैं घर पे लगाना चाहिए गुलाब में कांटे होने के साथ साथ उसके पुष्प में इतनी सुगंध है वो कांटों को की भी उसको दोष को खत्म कर देता है लेकिन कई लोगों के मुख से ये बात सुनी हुई तभी मैं थोड़ा सा कि कि कहते हैं कि गुलाब के जो पौधे होते हैं या कांटे वाले जो फूल होते हैं वो घरों में नहीं लगाने चाहिए वाले नहीं लगाना चाहिए सारे कांटों वाले हु लेकिन गुलाब अपवाद है ओके गुलाब अपवाद है गुलाब तो सभी प्रकार के गुलाब लगाना चाहिए बल्कि एक मैं किस्सा बताता हूँ गुलाब का वृक्ष यदि आपके घर में बहुत ज्यादा शांति चल रही है बहुत ज्यादा तो आप गुलाब के वृक्ष आप लगा लीजिए सफेद रंग के फूल वाले गुलाब और यदि आपके घर में मांगलिक कार्य शादी संपन्न नहीं हो पा रही है तो पिंक गुलाब के फूल लगा लीजिए और यदि आपका व्यापार बहुत गति नहीं चल पा रहा है कर पा रहा है तो आप ब्लू कलर के गुलाब के पुष्प लगा लीजिए आपके बहुत तेज गति हो जाएगी तो इस तरह से सर्व दोष का निवारण कर देते हैं हमारे वृक्ष वास्तु दोषों का यदि यहां तक कहा है बारह मेहर ने कि यदि आपके यदि आपके घर को, कोई भी कॉर्नर ईशान या नैरत कटा हुआ है तो तो उसके राइट एंगल पे आप लगा दोगे तो भी दोष यानी कि हम जो चार दीवारों के वास्तु की बात करते हैं उसमें भी अगर हम तोड़फोड़ नहीं कराना चाहते और नियम अनुसार और जो उस चीज को जो बीमारी या जो प्रॉब्लम है उस वास्तु के से आपकी लाइफ में आ रही है वो ठीक हो सकती है वृक्ष लगाने से निश्चित रूप से निश्चित रूप से

ठीक है तो लोग फ्रेश उगा के फ्रेश खाना चाहते हैं तो घर के जैसे आपने बताया कि कुछ पोर्शन में ये लगाना चाहिए कुछ पोर्शन में वो लगा देना चाहिए लेकिन आजकल लोग क्या कह रहे हैं कि एक पौर, प्रॉपर पोर्शन ले रहे हैं वहीं पर सारे प्रकार के पौधे या सब्जियां या फ्रूट्स या कोई पेड़ जो तो फ्रूट वाले पेड़ सब लगा दे रहे हैं एक साथ तो क्या देखिए ऑर्गेनिक थीक फार्मिंग गलत नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या गलत कर रहे हैं घर का एक तरीका होता था कि घर के हम सिर्फ थर्टी थ्री भाग में ही निवास करते थे थर्टी थ्री भाग हम खाली छोड़ते थे और थर्टी थ्री भाग में हम हमेशा ही इन बगीचे भाग बगीचे लगाते थे पुष्प लगाते थे सब्जियां लगाते थे तो यदि उस भाग में इस नियम के तहत यदि आप लगा रहे तो गलत नहीं है लेकिन गलत क्या हो रहा है हम गमले में फल उगाना शुरू कर दिए इसको बोलते बोनजाई वृक्ष क्या आपकी हाइट कितनी है मैम पांच फीट दो इंच यदि आपको सिर्फ एक फिट दो इंच का बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा बस और वो आंखें तो आपकी वही रहेंगी देख सकेंगी काम कर सकेंगे लेकिन आप आपाने जीने ठीक इसी तरह से हम वृक्षों को बोनजाई बोना करके छोटा छोटा ये पद्धति आपकी नहीं है ये व्यापार की विकास की गति में अवरोध पैदा कर रही है बोनजाई वृक्ष आप लगाइए देसी वृक्षों को आप, आप अपने घर में फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए कर सकते हैं कोई बात नहीं है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यदि फलदार है तो जो मैंने कंसेप्ट बताया जो सिद्धांत तो बताया है इसका कि हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन में लगेंगे तो फलों में मिठास होगी और उनमें गुणवत्ता होगी और वास्तु दोष का भी निवारण करेंगे आपके तो इस तरह से बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो घर में सुख शांति शांति ही नहीं ऐसा सारी जीवन देते हैं जैसे केसर चमेली और पुष्प वाले वृक्ष चंपा केवड़ा गेंदा कनेर लताएं और मनी प्लांट जितनी भी लताएं, बेलें ऊपर चढ़ती हैं वो आपके जीवन में विकास करवाती हैं और जितनी भी ऊपर से नीचे आती हैं विनाश करवाते हैं कई वृक्ष ऐसे जो आपको विनाश करवा देते हैं जैसे मैंने कहा सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष यदि आपके घर के अंदर लगा होगा तो आपको दरिद्रता कारक हो जाएगा यदि आपके घर के बाहर लगे होना चाहिए चार दीवारी के अलग होते हैं और चार दीवारी के अंदर के वृक्ष अलग होते हैं झगड़ा कराने वाले वृक्ष होते हैं जितने खट्टे वृक्ष होते हैं जैसे बेर इमली ये खट्टे हैं आपके घरों में झगड़ा करा देंगे अनेक किस्से मैंने देखे दो पार्टनर थे उनमें उनके घर में इमली लगी हुई थी दोनों पार्टनर टूट गए फिर घर में दो भाई वही दो भाई बचे थे वो दो भाई अलग अलग हो गए जब देखा तो उनके घर में इमली का बैग वृक्ष लगा हुआ था कभी भी वृक्ष उबड़े कुबड़े तिरछे नहीं होना चाहिए सूखे वृक्ष घर में नहीं लगे होना चाहिए घर में कांटे वाले नहीं बोनजाई नहीं खट्टे वृक्ष नहीं इमली नहीं चैत वृक्ष नहीं और बिजोरा निबू जो है बड़ा आटर्रा ये सबसे झगड़ा कराने वाला वृक्ष है ये तांत्रिक वृक्ष है जो आंवला भी चैत्र वृक्ष है लेकिन याद रखना अनार जो है अनार को कभी भी अधी आपकी भूमि विक्रय नहीं हो रही हो तो गमले में लगाइए लेकिन उसे पनपने मत दीजिए घर में बनना भी हमने उदाहरण एक्सीडेंट वाले देखे उन सब में इन घरों में तो लगते हैं ये सारे फ्रूट अनार देखिए घर में लगते हैं घरों में तो तकलीफ होती है फल वाले वृक्ष बच्चों के लिए बहुत कष्टदायी होते हैं मैं कह रहा हूं घर में लगाए जाएं लेकिन घर में उन वृक्षों की छाया दूसरे और तीसरे पैर तक आपके कक्षों में आपके कमरे में आपके घर पे नहीं पड़ना चाहिए लेकिन एक चीज और देखी जाती है यहाँ पर जैसे आप फलों की और इन सब की बात करें घरों के अंदर भी आजकल ट्रेंड है होम डेकोर के लिए लोग प्लांट्स लगा रहे हैं पॉट में में स्टाइलिश पॉट्स तो वो सब क्या है बिल्कुल लगा सकते हैं घर के इंडोर मतलब जो प्लांट है इंडोर प्लांट जो मैंने बताया अभी के मनी प्लांट इंडोर प्लांट है जिनको धूप की बहुत कम आवश्यकता होती जली जली पौधे भी इनको कहते हैं जली पौधे मतलब लेकिन इनमें ये नियम है कि जली पौधों का जल भी आपको कुछ समय में बदलते रहना चाहिए वरना यदि गंदा जल आपके घर में रखा होगा चंद्रमा दूषित हो जाएगा और चंद्रमा दूषित हुआ तो आपके यहां पैसे की बरकत और पैसे आपके घर से कोई ना कोई लेकर के डूब जाएगा परेशानी खड़ी हो जाएगी इसलिए आपके लिए नौ ग्रह के एक वृक्ष एक एक, एक के ग्रह के होते हैं जैसे पीपल की जड़ सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करती है और खेर के वृक्ष की जड़ आपके लिए चंद्रमा को इसी तरह अनंत मूल की जड़ यदि मंगल ग्रह से कोई पीड़ित है है या राशि वाला राशियों के लिए अलग अलग जड़े हैं। मतलब नग पहनने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए सिर्फ इन जड़ों से ही दोषों का निवारण हो जाता है यानी कि ग्रहों की के शांति जी हाँ गुरु के लिए बरगद की जड़ गुरु दोष है यदि गुरु आपकी कुंडली में दूषित हो रहा है या कम डिग्री का है नीच का है तो बरगद के पेड़ की जड़ यदि भुजा में बांध लो या ताबीज में पहन लो तो उससे भी या पर्स में रख लो गले में रख लो तो आपको गुरु ग्रह से शांति हो सकती है जैसे सरपंखा यह शुक्र का है और शनि तो सभी जानते हैं शमी का वृक्ष आपके लिए शनि ग्रह से शांति दिला देता है इतना ही नहीं बल्कि किसी भूमि में उपद्रव मच रहा हो ग्यारह अंगुल के पेड़ की डाली को लेकर के अभिमंत्रित करके और जिस घर में जिस भूमि में गाड़ दी जाती है तत्काल शांति हो जाती है यानी कि हम ये कह सकते हैं अब सिर्फ आपके लिए पेड़ इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं कि आपको छांव दे और आपके जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहे हैं उससे निजात दिलाएं बल्कि आपकी अपनी शांति के लिए आपकी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपके जीवन को जो में जो उथल पुथल मची है उसे एक स्थिर एक स्थिर रूप में लाने के लिए भी कारगर साबित होते हैं तो थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए और ये वृक्ष क्या है हमारे लिए ये जानकारी देने के लिए जय जय बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य सीखे व्यवसायिक वास्तु बने सफल वास्तुविद सिर्फ और सिर्फ आठ दिनों में बने जीरो से हीरो देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउंसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में पहल का मचाने वाले गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया बुक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भू वैज्ञानिक वास्तुविद स्वर विज्ञानी अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु अंक ज्योतिष वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा संपर्क करें सेवन नाइन नाइन नाइन